अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं वो MHRD का बाहर का एरिया है, जहाँ पे कि JNU के स्टूडेंट और दुनिया हिंदुस्तान के कई और मुख्तलिफ जगहों से कई तरह के स्टूडेंट कई जो इंडिविजुअल हैं या किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आए हुए हैं, तो यहाँ पे इनका विरोध देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अभी इस टाइम में हमारे साथ हैं सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। तो शमशाद साहब, आप JNU से हैं या? देखिए जामिया से भी कुछ लोग आए हुए हैं, अभी हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। आज JNU और आज जामिया हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का दर्द समझते हैं, इसलिए इंसानियत के नाते हर किसी के कंधे से कंधा मिलाने आए हैं, आवाज बुलंद करने आए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि देश की नीतियों के ऊपर नीतियाँ इतनी गलत है, तो देश के प्रधानमंत्री है, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो खुद ही जो जिनका हाथ खून से रंगा हुआ है 2002 के दंगों से, और आज वो गृह मंत्री बने हुए हैं। तो और जिस हिसाब से आप JNU में देख सकते हैं किस तरह से ABVP के बिंदों ने जो बच्चियों के ऊपर सर फाड़ने का काम करा है, हाथ तोड़ने का काम करा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इस गृह मंत्री कड़ी पार को कहना चाहता हूँ, आप गृह मंत्री हैं, पुलिस आपकी है और ABVP आपकी है। ABVP के गुंडे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? उनके ऊपर अभी तक FIR आपने कल करी है, मगर अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है ये बताइए मेरे को। उल्टा आयुष जो है JNU की प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर आपने 2 FIR कर दिया है। ये कहाँ का संविधान है भाई साहब? उल्टा चोर चोरी कर जाता है, उसको बचा दिया जाता है। जो जेन्युइन आदमी होते हैं, जो जेन्युइन बच्चे अपने हक की आवाज़, फीस बढ़ोतरी की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है। तो जैसा कि शमशाद साहब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ काफ़ी देर से एजिटेशन किया जा रहा है, तो इसके आगे का क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, और JNU के हमले, JNU पे हुए छात्रों पे हमले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारी मांग है कि JNU के छात्रों पे जो हमला हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी, उनको जेल में डालना चाहिए। जो ABVP के गुंडों ने, सारे के सारे ABVP के गुंडे हैं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो नकाब पोश थे, काले चोर थे, वो किस तरह से पुलिस के सहयोग से JNU के अंदर कैंपस में घुसते हैं, और वही पुलिस वहाँ पे तमाशा देख रही थी, और वही पुलिस जो जामिया में थे, वो जामिया में कैंपस के अंदर घुस के, लाइब्रेरी में घुस के जो बच्चों को दर्दनाक तरीके से मारा गया, किसी की आँख फोड़ी गई, किसी के पैर में गोली मारी गई, तो आप देख सकते हैं ये पुलिस अमित शाह के इशारे पे, देश के गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है, और कोई एक्शन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारी मांग है कि उन बच्चों को, उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और देश में जो CA NRC का कानून और NPR जो है ना, ये आपने लागू तो कर दिया है, मगर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये चलने वाला नहीं है। ये पूरे देश में कोहराम मचा के रखा हुआ है। देश में और भी मुद्दे हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, गाय के नाम पे आप इंसानों को मार रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये क्या है भाई साहब? दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं क्या, उसका सेटअप बना रहे हो क्या आप? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के बारे में सोचिए। देश की GDP 4.2% चली गई है, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 10% था। आप देख लें, शर्म आनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री हो, शर्म आनी चाहिए। देश की GDP, देश के हालात इतने खस्ते हो गए हैं कि ये देश मुश्किली, मैं समझता हूँ कि अब सुधरने वाला है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशाद साहब हमारे साथ वक्त देने के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जामिया के अंदर में, सॉरी JNU के छात्र जो यहाँ पे एजुकेशन अपना कर रहे हैं, साथ ही और भी कई सारे मुद्दे यहाँ पे उठ रहे हैं, जैसे कि नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए यहाँ पे एक नया माहौल बन रहा है। अभी हम कुछ छात्रों से भी बात करना चाहेंगे।